वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप अकेडमी में। वेलकम करता हूँ आप सभी का। तो हम जैसा कि मैंने कल बताया था कि हम ट्रिग्नोमेट्री के जो तो सॉल्यूशन दे रहे थे प्रोवाइड कर रहे थे उसको हम करेंगे कुछ इंटरवल के बाद। अभी हम कर रहे हैं कुछ स्पेशल प्रिपरेशन क्वेश्चंस, थोड़ा सा मिस हो गया है, मैंने पहले ही रीजन बता दिया आपको, उसके लिए अगेन सॉरी। फिर हम करेंगे कंटिन्यू क्लासेस को जो हमारी चल रही है, कंटिन्यू वन बाय वन टॉपिक वाइज टॉपिक आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज हम कर रहे हैं, हमने कल किया है फैक्टराइजेशन के स्पेशल फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन जिनको नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते और देखने में फैक्टराइजेशन लगते भी नहीं है, तो उसका टाइप टू के क्वेश्चन करने वाले हैं। कल हमने टाइप वन किया था, आज हम टाइप टू के फैक्टराइजेशन क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी बहुत बार आया है, वो ICSE हो, CBSE हो, स्टेट बोर्ड हो, सभी जगह पूछा गया है। चलिए आइए करते हैं कैसे करना है। आप टाइप टू के क्वेश्चन देखिए, टाइप टू के क्वेश्चंस ये सारे हैं, इनमें से कुछ मैं आपको कराऊंगा, कुछ आपके प्रैक्टिस के लिए घर के लिए होगा, आप ट्राई करके देख सकते हैं, नहीं अगर आप कर पाएंगे, कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप जो है कमेंट में बता सकते हैं, तो हम आपको उसके सोल्यूशन अगेन प्रोवाइड कर देंगे। तो देखिए इन सभी क्वेश्चन को अगर आप नोटिस करें तो आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे, इनमें कुछ कॉमन सा दिख रहा है। देखिए यहाँ एक्स माइनस वन न्यूमरेटर में और यहाँ एक्स प्लस थ्री डिनोमिनेटर में, यहाँ नोटिस करिए डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया और न्यूमरेटर क्या हो गया डिनोमिनेटर। सिमिलरली यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं आप, सिमिलरली यहाँ पर भी नोटिस कर रहे हैं आप, और यहाँ पर भी नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पर भी। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है जिनको सॉल्व कैसे करते हैं आइए सीखते हैं। देखिए जो इसमें कॉमन सेक्शन है, कॉमन क्या है, लेट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री, जो दोनों में कॉमन है इसको आप एक थर्ड वेरिएबल लेट कर लीजिए, हमने कर लिया लेट। तो बट आप मुझे बताओ अगर आपने x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री इक्वल पी लिया है तो बट देन अगर मैं वैल्यू रेसिप्रोकल कर दूं x प्लस थ्री, इसके नीचे कुछ नहीं हुआ, तो x प्लस थ्री को न्यूमरेटर कर दूं और x माइनस वन को डिनोमिनेटर कर दूं तो ये वन अपॉन पी हो जाएगा, क्लियर हो गया, क्योंकि रेसिप्रोकल है तो आपकी वैल्यू वन अपॉन पी होगी। अब आप यहाँ पुट कर दो टू, आपने कहा इसकी वैल्यू सर पी ली है, चेक कर ले वैल्यू यहाँ पे माइनस सेवन, बट ये जो वैल्यू है x प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन ये वैल्यू किसके इक्वल है, वन अपॉन पी के, और इस इक्वल कितना, इसको फाइव निकालो। अब आप एलसीएम ले लीजिए, जब आप एलसीएम लेंगे p और वन में इसका एलसीएम कितना होगा जी, p वन से डिवाइड p, p का मल्टीप्लाई टू के स्क्वायर, p से p डिवाइड कैंसिल तो वन आया सेवन वन का सेवन, वन से डिवाइड p, p का फाइव में मल्टीप्लाई फाइव पी हो गया, इस इक्वल टू कितना जीरो हो गया। अब आपका जो p है वो डिनोमिनेटर में है, अगर हम p को RHS में ले जाएं तो ये डिवाइड है इस साइड, अगर मल्टीप्लाई जीरो से मल्टीप्लाई होल पार्ट जीरो, इससे मल्टीप्लाई जीरो, यहाँ पर होगा टू पी स्क्वायर माइनस, इसे सीक्वेंस में लिख लीजिए फाइव पी माइनस सी। नाउ आपका ये वो इक्वेशन बन गया जो आपका जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब आप इसको नॉर्मल फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, इन दो और इसका मल्टीप्लाई करते हैं 40, दो नंबर सर्च करना होगा जिनका मल्टीप्लाई तो 7 टू जा 40 और इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करिए तो आना चाहिए 5, देखिए आ रहा है माइनस 2, आपको माइनस ये तो बिगर नंबर को आप माइनस लीजिए स्मॉलर नंबर को प्लस, बट अगर आपको स्मॉलर चाहिए तो बिगर नंबर को क्या कर लीजिए प्लस, प्लस चाहिए तो बिगर नंबर को आप प्लस कर दीजिए स्मॉलर नंबर को माइनस, आपकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहां से क्लियर हो गया आपका कि जी आपका जो ये आंसर फैक्टर हो रहा है दो, वो हो रहा है आपका 7p के पीछे चल रहा है 2p, और यहां पर हो गया 2p प्लस का माइनस 7 इज इक्वल टू 0, यहां है 2p। नाउ टेकिंग कॉमन p तो 2p माइनस 7, क्योंकि p आउट कर दिया तो 2 और p बचा, यहां से p आउट किया तो 7, यहां कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, 1 ले लीजिए 2p माइनस 7 इक्वल टू जीरो, अगेन आपका 2p माइनस 7 p प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, अगेन जब ये फैक्टर है बट अगर आपको जीरोस निकालना है तो फैक्टर को 1 बाय 1 आप जीरो को इक्वल लेते जाइए तो p इज इक्वल कितना होगा माइनस 1। सिमिलरली यहां देखो 2p माइनस 7 इज इक्वल टू जीरो, आप 7 को साइड ले जाइए प्लस 7 और यहां क्या है p इक्वल क्या होगा, तो ये आपके फाइनल आया। लेकिन आप ये बताइए आपका तो जो क्वेश्चन है ओरिजिनल फॉर्म क्या है, x में है, हमने इसे p में कर दिया था, तो आप इसे अगेन वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए, क्या रिप्लेस करना है, p की वैल्यू आपने लिखी है x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री
is equal to 7 upon 2. Cross multiply 2 1 जा 2 1 जा 7 का x में फिर 7 का 3 में 12. आप इस x को उस साइड ले जाएंगे, 7 में से 2 जाएगा तो 5x, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 22, क्योंकि माइनस 21 इससे डालके प्लस 21 इससे डालके माइनस, तो आपका आ गया 22 क्या आया माइनस 22 अपॉन 5. एक बार देख लेते हैं कि 7 बाय 2 है, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3, 2 1 जा 2x, 2 1 जा माइनस 2, 7 अंदर 7x, 7 तो 21, एक साइड आया तो माइनस 21, तो यहाँ पर आ रहा है 21 और ये 23 यहाँ पर इक्वल टू. फिर अभी एक चीज आपको बताता हूँ, डिग्री बताता है उस किसी भी इक्वेशन के सोल्यूशन कितने होते हैं. ये जो इक्वेशन है यहाँ पर हाईएस्ट जो पावर है वो 2 है, उसे डिग्री कहते हैं. डिग्री 2 है तो आंसर भी 2 आएंगे. आपने जो पी के 2 आंसर्स निकाले, लेकिन पी हमारा ओरिजिनल फॉर्म नहीं है इक्वेशन का, तो आप उस पी को रिप्लेस कर दीजिए. नाउ आपका जो पी इक्वल माइनस 1 है, अगर आप इसे रिप्लेस करते हैं तो पी की जो वैल्यू है वो अगेन ये रखें कुछ रखेंगे, ये जो वैल्यू है ये 1 अपॉन पी थी, यहाँ तो पी है ना, तो पी इक्वल तो यही है ना, तो आप क्या करेंगे पी इक्वल ये वैल्यू पुट करेंगे, तो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई. एक्स माइनस 1 बन जाए एक्स माइनस 1, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस इधर आओ प्लस एक्स और ये एक्स 2x और ये माइनस 3 और अगेन ये उस साइड जाके प्लस 1 माइनस 2, तो 2 2 कैंसिल, x तो दो आंसर पॉसिबल हुए, एक आंसर ये पॉसिबल हुआ और एक आंसर ये पॉसिबल हुआ. अब आप चेक करते हैं सेम सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, मैंने आपको बताया कल हमने किया तो आज हम करेंगे, बट इसमें आप थोड़ा सा हम स्ट्राइकर करते हैं वो कैसे करेंगे आसानी से इसे भी कर लेते हैं. ठीक है तो आप नोट भी डाउन करते जाइएगा, हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस x प्लस 1 अपॉन 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 5/2. हाँ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो वैल्यू दे रखा है इसका ये मतलब होता है, वो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि जब आप आंसर सॉल्व करेंगे इसका जब जीरोस निकालेंगे तो ये वैल्यूज नहीं आनी चाहिए थी, यानी x की वैल्यू माइनस 3 और 1 नहीं आना चाहिए, बाकी कोई अदर नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है. तो हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं, देखिए यहाँ भी आप नोटिस कर रहे हैं कॉमन है तो आप क्या करेंगे लिखेंगे ये, ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे इसमें एलसीएम लेना शुरू करेंगे. अगर आप एलसीएम लेते हो तो काफी बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा और फिर आप उसे कर भी नहीं पाएंगे आसानी से. तो यहाँ सिंपलेस्ट तरीका क्या है, ले 3x प्लस 1 डिवाइड में x प्लस 1 इज इक्वल टू पी. अगर ऐसा लेते हैं तो देन ये जो आपका x प्लस 1 है दोस्त और ये आपका 3x प्लस 1 डिनोमिनेटर में है, इसकी वैल्यू 1 अपॉन पी हो जाएगी. क्लियर ना? तो देखिए यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे p और यहाँ आएगा 1 अपॉन पी और इज इक्वल टू कितना है 5/2. आप एलसीएम लीजिए, पी 1 जा पी 1 से डिवाइड पी, पी का पी में मल्टीप्लाई पी स्क्वायर, पी से पी डिवाइड कैंसिल, 1 1 1 जब 1 इज इक्वल टू 5/2. जब आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे मल्टीप्लीकेशन को कहा जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई. तो 2 का आप पी में करेंगे तो 2 पी स्क्वायर, 2 का आप 1 में कर दीजिए तो 1 जा 2, 5 का पी में कर दीजिए 5. आप इसको इधर लाए तो 2 पी स्क्वायर माइनस 5 पी प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अगेन फैक्टराइजेशन क्या कहता है, 2 और 2 का मल्टीप्लाई मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, दो नंबर सर्च करिए जिनका मल्टीप्लाई 4 आए, 4 1 जा 4 और अगर उनको ऐड करो तो देखो माइनस 4 और माइनस 1 को ऐड कर दो पी चल रहा है पी, चेक करो इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 आएगा और इनको ऐड करेंगे तो माइनस 5 आएगा, साइन देखना पड़ता है इसमें माइनस तो आ गया. अब 2 यहाँ 4 और 2 में कॉमन क्या है 2, पी यहाँ 2 टाइम्स है 1 टाइम कॉमन, 2 से 2 कैंसिल, 2 पी से 1 पी कैंसिल, 2 से डिवाइड कर दो 2, जहां कुछ भी कॉमन ना हो आप कोई लीजिए. अब ये माइनस बदल क्यों गया साइन जरा देखिए, ब्रैकेट के आउटसाइड माइनस है तो अंदर का साइन बदलना चाहिए क्योंकि इसको अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, क्रॉस चेक कर सकते हैं ओके इज इक्वल टू 0. तो फैक्टर हो गया पी माइनस 2 और दूसरा हो गया 2 पी माइनस 1.
अब वन बाई वन आप यहां से वैल्यू निकालो, p माइनस टू इक्वल जीरो, तो p इक्वल कितना है टू। नाउ अगेन आपको वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो x के फॉर्म में है, तो आंसर भी x में आना चाहिए। तो जो आपने कम्फर्ट सुविधा के लिए इजिएस्ट वे के लिए आपने जो वैल्यू चेंज की है उसको आपको चेंज करना है। तो देखिए क्या है, थ्री एक्स प्लस वन डिवाइड में x प्लस वन इज इक्वल टू टू अपॉन वन, वन से मल्टीप्लाई थ्री एक्स प्लस वन और यहां कर दीजिए टू एक्स प्लस टू। तो डायरेक्ट देखिए इसको इधर लाएंगे तो थ्री में से टू माइनस होगा तो x, और ये उस साइड जाएगा माइनस होगा तो वन। x की एक आंसर आ गया, क्या आ गया x का एक आंसर x इक्वल वन, आपका फाइनल क्या है आंसर क्लियर। अगेन आप यहां देख लीजिए कि आप ले रहे हैं यहां से टू पी माइनस वन इक्वल जीरो, तो डायरेक्टली p इक्वल देखो पहले इस साइड ले जाएंगे तो वन बाई टू आता, p की अगेन वैल्यू क्या है थ्री एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन इज इक्वल वन बाई टू, टू थ्री जा सिक्स, टू वन जा टू, अगेन एक्स प्लस वन वन जा एक्स प्लस वन। आप इसको इस साइड लाएंगे तो फाइव एक्स हो जाएगा माइनस होगा और ये उधर जाके माइनस वन, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई माइनस वन अपॉन फाइव आपका फाइनल आंसर। तो दूसरा आंसर देखिए दो आंसर आ रहे हैं क्योंकि एवरी टाइम ये देखने में दिख रहा है आपको लीनियर बट क्योंकि अभी डिग्री वन है, तो अगर आप नोटिस करें तो लीनियर बट सॉल्व करने पर क्वाड्रेटिक बन रहा है। यहाँ से आप नोटिस कर सकते हैं कि जब ये क्वाड्रेटिक बन रहा है तो क्वाड्रेटिक के डिग्री टू है तो आंसर भी दो आएंगे, तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आप एलसीएम लेंगे इन सब क्वेश्चनों में तो आपके लिए बहुत लेंथी हो जाएगा, आप कभी आसानी से नहीं पाएंगे। चलो फिर भी मैं आपको बताता हूँ अगर कोई बच्चा एलसीएम लेके सोचता है तो क्या पॉसिबिलिटीज आएंगी, थोड़ा सा इसका आप ट्रेलर देखिए कि क्या होगा। तो आप वीडियो को पॉजिटिव नोटिंग कॉम करते जाइएगा, पॉजिटिव हम करते हैं थोड़ा सा एलसीएम लेकर कि कैसे होगा। अगर आप एलसीएम लेते हैं तो फर्स्ट ब्रैकेट होता है एक्स प्लस वन और सेकंड ब्रैकेट होता है थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू कितना आता एक्स प्लस वन से होल डिनोमिनेटर को डिवाइड एक्स प्लस वन कैंसिल थ्री एक्स प्लस वन का इसमें मल्टीप्लाई क्या होता थ्री एक्स प्लस वन का फोर एक्स प्लस इस बार ये कैंसिल होगा एक्स प्लस वन का एक्स प्लस वन। देखिए यही कितना लंबा लॉन्ग हो रहा है प्रोसेस। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो नाइन एक्स स्क्वायर फिर वन का स्क्वायर फिर आएगा टू ए बी तो टू थ्री जा सिक्स एक्स। सिमिलरली यहाँ पर ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ टू एक्स डिनोमिनेटर इसका इसमें मल्टीप्लाई थ्री एक्स स्क्वायर फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई एक्स वन जा एक्स फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई थ्री एक्स वन जा थ्री एक्स फिर वन वन जा वन इज इक्वल टू चल रहा है। फिर नोटिस करें अगेन इन सबको सॉल्व करेंगे आप तो कितना आया टेन एक्स स्क्वायर फिर आया एट एक्स प्लस का प्लस वन वन और वन टू और डिनोमिनेटर में आप आ गए थ्री एक्स स्क्वायर। चलो इसको स्पेस का मैं हम रद्द कर देते हैं ठीक है। देखिए ये आया फोर एक्स और प्लस वन अगेन अब आप क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे टू का इसमें ट्वेंटी एक्स स्क्वायर फिर टू का इसमें 16x फिर 2 का इसमें 4 अगेन 5 का 15x स्क्वायर फिर 5 4 जा 20x 5 ऐसे अब तुम सारे एक साइड लाओगे फिर जाके कहीं क्वालिटी बनेगा तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो रहा है मतलब लंबा बहुत ज्यादा हो रहा है तो ऐसे करने की आपको नीड नहीं है। दीज आर द टाइप टू क्वेश्चंस ऑफ स्पेशल फैक्टराइजेशन और ये अब हम करते हैं इसका कुछ ये ये कर लीजिए या ये कर लीजिए या ये कर लीजिए सब एक जैसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम फिफ्थ वाला पार्ट करा देते हैं अगेन फिफ्थ वाला देखिए क्या है फोर एक्स माइनस थ्री डिनोमिनेटर है टू एक्स प्लस वन माइनस टेन इन द ब्रैकेट टू एक्स प्लस वन डिनोमिनेटर है फोर एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू। हाँ इनका मीनिंग है कि जब आप सॉल्व करेंगे तो एक्स की जो वैल्यू है माइनस वन बाई टू एंड थ्री बाई फोर ये नहीं आनी चाहिए अगेन लेट कर लीजिए लेट x 4x माइनस थ्री अपॉन 2x प्लस वन इक्वल टू जब आप ये लेंगे देन आप इसका करिए 2x प्लस वन रेसिप्रोकल कर दीजिए अपॉन 4x माइनस थ्री इसकी वैल्यू हो जाएगी क्लियर। तो आइए रखते हैं यहां पर रखेंगे वैल्यू p माइनस टेन और इसके साथ आएगा 1 अपॉन p इज इक्वल टू थ्री। एलसीएम लीजिए p और इन वन से p यहाँ होगा p स्क्वायर माइनस टेन और इज इक्वल टू थ्री कैसे p से p डिवाइड वन वन का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई थ्री पी
वन का इसमें करेंगे तो पी स्क्वायर माइनस टेन, इसको इस साइड ना पी स्क्वायर माइनस थ्री पी माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो। अब आप देखिए इसका डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर वन है, तो मैंने बताया था दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई टेन आए और एड सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाना चाहिए थ्री माइनस का, तो फाइव टू जब टेन, लेकिन आपको माइनस थ्री चाहिए तो इस बिगर नंबर को माइनस और स्मॉलर नंबर को प्लस लेंगे तो ऐसे आपको आ जाएगा हमेशा निगेटिव। अब इसके साथ यानी यहाँ से देखो फैक्टर क्या हुआ, फैक्टर हुआ आपका दोस्तों सीधे आया पी माइनस फाइव और आया आपका पी प्लस फाइव, ठीक है। और अगर हम जीरोस की बात करते हैं जीरोस तो सीधे p इक्वल आएगा, साइन चेंज कर दीजिए प्लस फाइव और p इक्वल आएगा माइनस। अब आप वैल्यू पुट कर दो क्या, फोर एक्स रिप्लेस कर दीजिए माइनस थ्री अपॉन टू एक्स प्लस वन, यहाँ देखिए फाइव अपॉन वन से यहाँ कर दीजिए फोर एक्स माइनस थ्री, यहाँ फाइव टू जा टेन एक्स फाइव वन जा। अब आप क्या करें इसको इसको उस साइड ले जाइए, जब आप फोर उधर ले जाएंगे तो बनेगा सिक्स एक्स और ये फाइव इधर आएगा तो माइनस एट, अपर कर दीजिए टू थ्री जब टू फोर जब तो माइनस फोर बाई थ्री, फर्स्ट आंसर आपका आ गया क्लियर। सेकेंड आंसर अगेन आप वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा, तो आई होप इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो फिर हम करते हैं आज के लिए इतना ही, ये जो पार्ट्स बचे हैं मैंने आपको कई पार्ट्स करा दिए, ये करा दिया है इधर, ये करा दिया जो बचे हैं उस रिमेनिंग वो जस्ट फॉर आपके प्रैक्टिस के लिए है, करते रहिएगा, गुड डे, मेहनत करते रहिए, आज के लिए इतना ही।